Forest Most Haunted. जोधपुर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून अरमान मित्तल की जान अपनी बहन रेवा में बसती थी। अपने माता पिता की मौत के बाद अरमान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में सारा बिजनेस संभाल लिया था। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसकी बहन ही उसकी पूरी फैमिली थी, जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ सकता था। रेवा को थोड़ी सी तकलीफ में देख कर ही अरमान परेशान हो जाता था, और आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। मैंने कहा ना, मुझे वो डॉक्टर अभी के अभी यहाँ चाहिए। I don't care वो इस वक्त किसी सर्जरी में है या जन्म में। I want him right now. Understand? Oh God, भाई अब क्या कर रहे हो? छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे बोला था ना, अपने कमरे से बाहर नहीं आना। कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। भाई आपने तीन तीन डॉक्टर्स को क्यों बुलाया? वो तीनों ना मेरा सर खा रहे हैं कब से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। क्या ठीक है? इतना बुखार है। चल मैं तुझे तेरे कमरे में ले चलता हूँ। भाई मुझे बस हल्का सा बुखार है, और आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे मुझे न जाने क्या ही हो गया हो। नहीं पागल, कुछ भी मत बोला कर। तुझ पर अगर इतनी सी भी आ जाए ना, तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। भाई I'm really sorry भाई, मैंने आपसे ऐसे बात की। बट भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ सच में, आप प्लीज परेशान मत होइए। तेरे लिए परेशान नहीं हूँ तो किसके लिए हूँ? माँ पापा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। उनके जाने के बाद तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। Oh, that's so sweet of you, भाई। आप सबसे बेस्ट हैं। पता है ना आपको? बस बस भाई को मस्का मत लगा। और हाँ, आज कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, चुपचाप अपने कमरे में जा और रेस्ट कर। चौथे डॉक्टर भी आ रहे हैं चेक करने। भाई यार मजाक कर रहा हूँ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुझे। जा अब थोड़ा रेस्ट कर ले, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो कंप्लीट करके आता हूँ। ओके भाई, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ वरना भाई की फिर से डांट सुननी पड़ जाएगी। रेवा को अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक तुम्हें यहाँ आना ही होगा। ये आवाज़ें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हर अमावस्या की रात ये जो मुझे सपने दिखाई देते, वो आवाज़ें, वो जगह, आखिर क्या है ये? क्या रिश्ता है इनका मेरे से? मैं भैया को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो तो हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। रेवा चल, अपने माइंड को डाइवर्ट कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, अपने आप मन शांत हो जाएगा। क्या है आखिर गौरव तिवारी की मौत का राज? क्या हम इसे भानगढ़ से जोड़कर देख सकते हैं? भानगढ़ ने ली एक और पैरा रिसर्चर की जान। क्या है आखिर भानगढ़ का सच? ये तो वही जगह जो मुझे थोड़ी देर पहले सपने में दिखाई दी थी। हाँ, आजा यहाँ, आजा भानगढ़, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आजा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये विजन बढ़ते ही जा रहे हैं। कौन? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। पहले तो मुझे ये तस्वीरें दिखाई देती थी, तो आवाज़ें भी आने लग गई। कौन? मुझे इस बारे में पता लगाना पड़ेगा, मुझे भानगढ़ किला जाना ही पड़ेगा। भाई 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 आप कहाँ हो? छोटी मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? तू ठीक तो है? तुझे ज्यादा बुखार तो नहीं आ गया? मैंने कहा था डॉक्टर को बुलाऊं, तू प्लीज बैठ 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 यहाँ, मैं पानी लाता हूँ। रीवा यार ये तू क्या करने जा रही थी? यू नो ना भाई, तेरी छोटी सी छोटी परेशानी से भी हाइपर हो जाते हैं। अगर तूने उनको ये बात बताई तो
अगर तूने ये भानगढ़ किले का नाम भी लिया ना, वो तुझे कभी नहीं जाने देंगे और खुद भी परेशान हो जाएंगे। नो 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 नो, मैं ये नहीं कर सकती। छोटी छोटी, क्या सोच रही है? ये ले पानी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, रुक। अरे अरे भाई, आप भी ना ऐसे परेशान होते रहते हैं। मैं तो बस आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आई थी। आज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना शायद? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? तो आई कुछ और थी कहने और अब कुछ और ही बात कर रही है। ओ गॉड भैया, आप भी ना वो डेली सोप वाले भैयाओं की तरह बिहेव करने लग जाते हो कभी कभी। तू मुझसे कुछ छुपा रही है एंड ऑल दैट, मेरी बहन, मेरा गुरूर, हाँ ना? क्या क्या बोलती रहती है, कहाँ से लाती है डायलॉग्स तू? भाई आप कहाँ से लाती हो ये सारी इमोशनल लाइंस? हाँ, मैं बस आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आई थी, दैट्स इट। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह अपना बैग उठाइए और ऑफिस जाइए। और तू? मैं आपने जैसे कहा था ना, रेस्ट करूंगी पूरा दिन। वेरी गुड, ओके देन, अब मैं चलता हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। बाय भाई, हैव अ नाइस डे। बाय। जैसे ही अरमान ऑफिस के लिए निकला, रेवा दौड़कर अपने कमरे में गई और भानगढ़ जाने के लिए तैयारी करने लगी। सोच तो लिया था कि भानगढ़ जाऊंगी, पर कैसे? चल बेटा रेवा, अब काम पर लग जा। सबसे पहले भानगढ़ के बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से कलेक्ट कर लेती हूँ। ओ गॉड, ये तो जितना सोचा था उतना भी आसान नहीं है। रात को भानगढ़ के अंदर जाना तो सरकार की तरफ से बैन है, और अगर मैं दिन में बाकी सब टूरिस्ट के साथ जाऊंगी तो शायद मैं अपने सवालों का जवाब ना ढूंढ पाऊँ। सोच रेवा, सोच, कुछ तो सोच। ओ गॉड, मैं रवि अंकल को कैसे भूल गई? अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। हेलो, नमस्ते रवि अंकल। एक्चुअली मुझे ना आपसे थोड़ा सा जरूरी काम था। मुझे ना भानगढ़ में जाने के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। रात को? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता भी है ये कितना रिस्की है? और अगर अरमान सर को पता चल गया तो तुम जानती हो क्या कर सकते हैं। प्लीज 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 रवि अंकल, आप सिर्फ हमारे बिजनेस मैनेजर ही नहीं, पापा के सबसे क्लोज फ्रेंड भी थे। अगर आज पापा होते तो मैं उनसे मदद मांगती, पर अंकल प्लीज आप ही उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। प्लीज बस एक रात के लिए मुझे वहां जाने की परमिशन दिला दीजिए। प्लीज 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 रेवा, ओके ठीक है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? वैसे तुम वहां जाना क्यों चाहती हो? कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं मुझे बस, पर प्लीज अंकल इस बारे में भैया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कैसे सवाल बेटा? अंकल वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर प्लीज अभी आप अरेंजमेंट्स करने की तैयारी कीजिए। पर बेटा, अंकल प्लीज प्लीज। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा। थैंक यू अंकल। रवि अंकल से बात करने के बाद रेवा सो गई और सुबह जल्दी उठकर अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। पर अरमान को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसकी बहन को उससे कुछ तो चाहिए। क्या बात है, आज सुबह सुबह तू डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना छोटी? बस आज मेरा मन किया आपके लिए नाश्ता बनाने का, तो बना दिया, लीजिए टेस्ट कीजिए। क्या चाहिए छोटी? क्या भैया, अभी मैंने कोई मस्का वस्का लगाने के लिए आपको ये सब नहीं किया है, ये तो मेरा प्यार है। अब हाँ, वैसे अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो अब आई ना असलियत सामने, चल बोल क्या चाहिए। परमिशन। किस चीज के लिए? मेरी फ्रेंड है ना रिया, उसकी बर्थडे पार्टी है कल उमेद भवन पैलेस में, मैं मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं भी दो दिनों के लिए जा सकती हूँ क्या प्लीज भाई? दो दिनों के लिए? भाई प्लीज ना, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, भाई प्लीज, आई प्रॉमिस मैं अच्छे से अपना ध्यान रखूंगी, प्लीज भेज दो ना, परमिशन दे दो। पर रेवा, आज डैड होते तो मुझे कभी मना नहीं करते। अब इतना भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चली जाना, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। थैंक यू भाई, यू द बेस्ट वन। अब बस बस बस, अब शाम को ड्राइवर तुझे छोड़ आएगा। पर ओके ओके, सॉरी भाई, मेरा प्लान कुछ और ही है, मैं आकर आपको सब कुछ बता दूंगी, प्रॉमिस।
अपने भाई के ऑफिस जाने के बाद रेवा बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी और जैसे ही शाम के 7 बजे वो अपने घर से तैयार होकर भांगड़ के लिए निकलने लगी। चल चल यार रेवा, जल्दी कर, 7 बजे यहाँ से निकलूंगी तो रात की 1-1.5 बजे पहुँच पाऊंगी वहाँ पे। अरे हाँ, रवि अंकल को भी तो कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो रेडी हुए या नहीं। कैमरा ले लेती हूँ, वहाँ जो भी होगा उसे रिकॉर्ड कर लूंगी और भाई को भी दिखा दूंगी। आई नो, भाई मुझसे बहुत नाराज होंगे। कोई नहीं, कॉल कर लेती हूँ उनको। हेलो जी रवि अंकल। हाँ बेटा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और फोर्ट में घुसने का परमिट भी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया है। मैं जरा जयपुर किसी काम से आया हुआ हूँ, यहाँ से कुछ देर में निकलूंगा। भानगढ़ यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है, तो शायद मैं तुमसे जल्दी भी पहुँच जाऊंगा। तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके ओके अंकल। पर बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना रिस्क लेने को तैयार होगी? एक्चुअली भानगढ़ के कई सारे डरावने सपने आते हैं मुझे, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो वहाँ पे, जैसे मेरा कोई कनेक्शन हो उस जगह से। पर तुमने इस बारे में कभी किसी से बात क्यों नहीं की? कई साल पहले ये बात मैंने मॉम को बताई थी, शायद मॉम ने डैड से भी शेयर की थी ये बात। उन्होंने कहा था कि वो किसी पंडित से बात करेंगे, फिर उसके 4 दिनों बाद ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं ये बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता कि उस जगह पर जाकर मैं सही कर रही हूँ या नहीं, पर मैं भाई को परेशान नहीं करना चाहती। बस मुझे जानना है कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो मुझे अपने पास खींचता जा रहा है। वो आवाजें जो मुझे सुनाई देती हैं, वो किसकी हैं आखिर, और क्यों वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब मुझे भानगढ़ जाकर ही मिलेंगे। I hope हमें वहाँ वो मिल जाए जो तुम ढूंढ रही हो। जी अंकल। अरे चलो भानगढ़ में मिलते हैं। जी जी अंकल, बाय। और फिर रेवा 6 घंटा सफर करने के बाद भांगड़ पहुंच गई और वहां उसका स्वागत खौफनाक फिजाओं ने किया, मानो वो उसे अपने पास बुला रही हो। कितनी डरावनी जगह है ये, और अकेलापन भी कितना है इस जगह पे। थोड़ी दूर तक तो जानवरों की आवाज है, इंसानों की। गॉड, यहाँ पे तो रवि अंकल की भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। कॉल करती हूँ उनको। इसलिए रेवा ने अकेले ही भंगड़ में घुसने का फैसला किया। और वेट करूंगी तो मेरे हाथों से मौका निकल जाएगा, मुझे खुद ही अंदर जाना होगा अकेले, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब यही है। कितनी डरावनी जगह है। इट्स ओके यार रीवा, वो सिर्फ चमगादड़ था, रिलैक्स। वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही दरवाजे। गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हकीकत में हो रहा है मेरे साथ। एक काम करती हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, भाई को भी दिखा दूंगी। कौन है यहाँ? तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पे कोई है, जैसे अभी भी कोई यहाँ से गुजरा हो। कौन है यहाँ पे? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तुम इतनी आसानी से यम से नहीं जा सकती, समझी? मेरी बात, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज लीव मी। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ।
जहाँ एक तरफ रेवा भांगड़ में फंस चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अरमान इन सब से अनजान था और सुबह अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिलने पर हाइपर हो रहा था, क्योंकि रेवा का फोन नहीं लग रहा था। रेवा, रेवा, रेवा! फिर से अनरीचेबल, आखिर क्यों झूठ बोला तूने? ऐसी भी क्या वजह थी जो तुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाना पड़ा? अगर मैं सुबह रिया को फोन नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू तो वहां गई ही नहीं। The number you dialed is not in service. अब कहां ढूंढूं तुम्हें? फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं कहां चली गई है छोटी तू। तेरे सारे फ्रेंड्स को फोन लगा कर पूछ लिया, तू जहां जा सकती थी हर जगह तुझे ढूंढ लिया, जोधपुर का चप्पा चप्पा छान मारा। कहां चली गई है तू छोटी, कहां ढूंढूं मैं तुझे? हेलो, हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर अरमान मित्तल प्लीज। यस, आप कौन? जी मैं जयपुर सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर खत्री बोल रहा हूँ। आपके लिए मिस्टर रवि का मैसेज था, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं किसी रेवा के बारे में। रवि अंकल हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? इज ही ऑलराइट डॉक्टर? देखिए कल रात को उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उन्हें यहाँ जयपुर सिटी हॉस्पिटल में लाया गया है। उनकी हालत काफी नाजुक है, उन्होंने बस ये लिखकर हमें बताया कि आपको यहाँ बुलाया जाए। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंचने की ट्राई करता हूँ। आप प्लीज उनके इलाज में कोई कमी मत रखिएगा। I'll be there soon. Yeah, okay. रवि अंकल को रेवा के बारे में क्या पता है ऐसा? जो भी हो, ये बात शायद रेवा के गायब होने से जुड़ी हुई है। मुझे जल्द से जल्द जयपुर पहुंचना होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद अरमान ने तुरंत जयपुर की फ्लाइट बुक की और रवि अंकल से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर खत्री जी, यू आर? मैं अरमान मित्तल। आपने सुबह मुझे कॉल किया था अबाउट रवि अंकल्स एक्सीडेंट। ओह यस यस, प्लीज कम विद मी। देखिए मिस्टर अरमान, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, इनके पास टाइम बहुत कम है। सो रवि अंकल, ये सब कैसे? मेरे पास वक्त कम है, मुझे तुम्हें रेवा के बारे में कुछ बताना है। जी अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, क्या आप जानते हैं रेवा कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। रेवा, इन्हें हमें वेंटिलेटर पे रखना होगा। प्लीज मिस्टर खाना बाहर जाए। रेवा, बचा। रेवा, आप क्या बोलना चाहते हैं अंकल? आप प्लीज बाहर जाइए मिस्टर अरमान। रेवा, भानगढ़, भानगढ़, रेवा भानगढ़ में? अंकल, अंकल, अंकल! I am sorry, Mr. Arman, but he is no more. Damn it! रवि अंकल की मौत से अरमान बहुत दुखी हो चुका था, पर उसके दिमाग में बस दो ही लफ्ज घूम रहे थे, रेवा और भांगड़, और इसीलिए उसने भांगड़ जाने का इरादा किया। अरमान दोपहर के 2:30 बजे भांगड़ पहुंच चुका था, पर चूंकि अभी दिन का वक्त था तो वहां काफी टूरिस्ट मौजूद थे। रेवा को ढूंढते हुए अरमान जब किले के अंदर गया तो उसे वहां एक कोने में रेवा का गिरा हुआ कैमरा मिला। ये फोन और कैमरा तो छोटी का है। ये यहाँ है तो उसका मतलब रेवा यहाँ आई थी, पर वो यहाँ से गई कहाँ? इसमें तो शायद कुछ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद अरमान ने रेवा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो सिक्योरिटी गार्ड से पिछली रात के बारे में लगातार पूछता रहा, पर उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। रिकॉर्डिंग से एक बात तो साफ थी कि रेवा के साथ कुछ तो बुरा हुआ था, और ये किसी इंसान की हरकत नहीं बल्कि किसी साए की थी जो रेवा के कैमरे में कैद हो चुका था। अरमान इस बारे में और पता लगाना चाहता था, पर उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी उसके दिमाग में उसके फैमिली पंडित का ख्याल आया और वो सीधा उनके पास पहुंच गया। पंडित जी ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता की मौत से पहले वो भी रेवा के बारे में ही बात करना चाहते थे,
पर वो यहां आ ही रहे थे कि उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। खैर, अब हमें बहुत सावधानी से जाब्ता से निपटना होगा। हमारे कुछ शिष्य हैं जो इस काम के लिए सही रहेंगे। हम जल्द से जल्द उन्हें यहां बुला लेते हैं। तुम निश्चिंत रहो, रेवा जरूर मिल जाएगी। अरमान की कई सारी कोशिशों के बाद भी उसे रेवा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसने सच का पता लगाने के लिए अपने फैमिली पंडित योगी जी का सहारा लिया। योगी जी तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए जब अरमान उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मामले को तुरंत ही समझ लिया और फौरन ही अपने सहयोगियों को अपने पास बुला लिया। आओ आओ अरमान आओ, अच्छा हुआ तुम सुबह सुबह ही आश्रम आ गए। हम तुम्हें उन तीनों से मिलवाना चाहते हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें कल बताया था। जी गुरु जी। आओ हमारे साथ। नमस्कार गुरु जी। सुखी रहो सुखी रहो। अरमान, ये है अचल घोष, ये मेरी शिष्य है, पर ये कोई आम लड़की नहीं है। ये चीजों को छूकर उनसे जुड़े अतीत को देख सकती है। रेवा को ढूंढने में ये हमारी काफी मदद करेगी। हेलो। हाय सर। और इन्हें तो तुम जानते हो, कबीर राजपूत, हमारे आश्रम के मैनेजर, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी हैं और आत्माओं से बात करने में काफी सक्षम है। अरमान महिषा, आप बिल्कुल भी चिंता गुणी करो, हम रेवा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। थैंक यू कबीर। गुरुजी, आपने कहा था तीन लोग जाएंगे भानगढ़, यहाँ तो कबीर और अंजलि है बस। ये यूडी कहाँ रह गया अभी तक? गुरुजी, मैं आ गया जी। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। यूडी, कब सुधरोगे तुम? हो बस जी, भानगढ़ से आते ही सुधर जाऊंगा जी। हरमान, ये है उदयधन राजगीर, इनके पिताजी हमारे काफी अच्छे मित्र हैं। वैसे ये किसी तारीफ के लायक है नहीं, पर ये बहुत अच्छे वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी हैं और हमारे साथ अक्सर ऐसे केसेस में साथ रहते हैं। Are you sure, गुरुजी? ये टीम सही रहेगी? I know. यूटी को देखकर तुम्हें नहीं लगेगा, बट वो अपने काम में बेस्ट है। मुझे यकीन है ये तीनों रेवा को ढूंढ लेंगे। अरमान जी, तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम रेवा को अपने साथ लेकर ही वहां से लौटेंगे जी। थैंक यू गाइस, मैंने आप तीनों के भानगढ़ के अंदर जाने का सारा इंतजाम कर दिया है। वहां की सिक्योरिटीज आप तीनों के लिए साइड गेट शाम के बाद खोल दिया करेंगी। गुरु जी, अब मैं चलता हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरी रेवा की जान आप लोगों के हाथ में है, उसे किसी भी हालत में मेरे पास ले आना, बस। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अरमान, हमें विश्वास है रेवा बिटिया जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी, प्रणाम, ऑल द बेस्ट गाइस। शुक्रिया। चक दे फटे। यूडी, मतलब थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तुम तीनों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। गुरुजी, ये कोई आम आत्मा का साया नहीं है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था कि हमारा सामना जिस शक्ति से होने वाला है वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने ये रक्षा सूत्र बनाए हैं, इन्हें तुम अपनी अपनी कलाइयों पर बांध लो। ये मंत्रों से उच्चारित रक्षा सूत्र हैं, ये जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक वो शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर वो तुम्हें डराने की या कमजोर करने की या तुम्हें अलग करने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे तुम्हें खुद ही निपटना होगा। पर इस भानगढ़ में किसकी आत्मा का वास है, आप जानो हो गुरुजी? भानगढ़ किले के बारे में कई सारी कहानियां सुनाई जाती हैं। जब वो तबाह हुआ तब हजारों लोग वहां दफन हो गए। अब रेवा का उस स्थान से क्या नाता है, ये यही तो तुम तीनों को खोजना होगा। पर ये आत्मा मेल है कि फीमेल जी? I mean to say, चुड़ैल है या भूत? इस रिकॉर्डिंग में जो रेवा को खींच रहा है वो साया साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक और साया है। देखो, जो किसका है वो तो भानगढ़ जाकर ही पता चलेगा।
तो अब इंतजार किस चीज को है? वहाँ जो कुछ भी हो, आप लोगों को जो कुछ भी पता चले उसकी खबर हमें मिलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी। हो डन जी डन। और यूडी, तुम पिछली बार की तरह आत्मा से पंजाबी में बात मत करने लग जाना, पता चले हमें तुम्हें फिर बचाने आना पड़ रहा है। ना जी ना, कोई गलती नहीं होगी गुरुजी, पिंकी प्रॉमिस जी। गुरुजी से सलाह मशवरा करने के बाद तीनों भांगड़ के लिए निकल गए और रात के तकरीबन 8 बजे वो सिक्योरिटीज की मदद से किले के अंदर पहुंच गए। ओए, ये तो सच में बड़ी डरावनी जगह है यार। यहाँ तो बड़ा मजा आने वाला है जी। आप दोनों का क्या हाल है? यहाँ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बट खबर नहीं की। ये तो अंदर जाने से ही पतो लगेगो। युडी, अब तू हर एक चीज को वीडियो बनाता जा, समझा? हर एक पल का सबूत हमें गुरुजी ने देना है। ओ डन जी डन। हाँ चल, आप अब अपना काम शुरू कर दो जी, कि यहाँ आखिर हुआ क्या था। ओए पाजी, ये आंचल जी तो बड़ी कमाल है जी, दीवारों को छूकर पास देख लेती हैं। तो बोल तो ऐसे रहा है कि तुझे ये सब पता ही नहीं है। तू जाने है ना, आंचल जी चीजों को छूकर अतीत के किस्से देख लेती हैं। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ आंचल जी कमाल है। पर तू ये ना जाने है कि इस काम को करने में आंचल जी की बॉडी की सारी ऊर्जा खत्म हो जावे है, और कई बार तो उन्हें अतीत से वापस आने में बहुत वक्त भी लग जावे। पर आपको ये सब कैसे पता पाजी? गुरुजी ने यहाँ आने से पहले तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी, और तुम दोनों की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में मैं जानू हूँ। अरे ठीक तो हो आंचल जी? अठे बैठो प्लीज। आमी भालो अच्छी। ओए पाजी, लगता है आंचल जी में मंजुलिका की आत्मा घुस गई है। यूडी, तुम भी तो पंजाबी एक्सेंट में बात करते हो। मैंने तो नहीं कहा तुम्हारे अंदर किसी पंजाबी भूत की आत्मा है। मंजुलिका, कुछ भी बोले है तू। मैं भी थोड़ा स्टूपिड हूँ जी, सॉरी सॉरी। पर आपको आंखें बंद करके दिखा क्या जी? इस भानगर की राजकुमारी रानी रत्नावती थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे हर गांव में हुआ करते थे। एक बार जब वो अपने दासियों के साथ बाजार गई, तब एक काला जादू करने वाले तांत्रिक सिंधिया की नजर रानी पर पड़ गई और वो उनकी सुंदरता का कायल बन गया। उसने रानी को पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और अपने काले जादू को एक ईतर की बोतल में डाल दिया, पर उसे ऐसा करते एक दासी ने देख लिया और जाकर रानी जी को बता दिया। गुस्से में आकर रानी ने ईतर को एक चट्टान पर फेंक दिया। चट्टान पर काले जादू का असर हो गया और वो तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी, और अंत में वो तांत्रिक भी उस चट्टान द्वारा कुचला गया। पर तांत्रिक ने मरते मरते भानगर को श्राप दिया कि ये पूरा भानगर तबाह हो जाएगा। तो भानगर में उस तांत्रिक की आत्मा है जी? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक युद्ध में पूरा भानगर तबाह हो गया और रानी के साथ साथ पूरा महल यहाँ दफन हो गया, जैसा तांत्रिक ने मरने से पहले कहा था। बढ़िया, अब कम से कम हमारे पास एक कहानी तो है। अब हमें पता लगाना है कि आखिर रेवा का इस भानगढ़ से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है कबीर, क्योंकि रेवा का चेहरा एकदम रानी रत्नावती से मिलता है। ओ, ये तो कहानी में ट्विस्ट है जी। इसका मतलब तांत्रिक रेवा को रानी रत्नावती समझकर अपने साथ ले गया है, और ये तांत्रिक तो बड़ा बुद्धू निकला जी। नहीं यूडी, तांत्रिक बुद्धू नहीं है, उसका इन सब के पीछे कोई तो मकसद है जो हम समझ नहीं पा रहे, और अभी तक हमें बस शक है कि वो तांत्रिक की आत्मा है, हम श्योर नहीं है। मैं उनसे बात करने की ट्राई करूं, अगर यहाँ तांत्रिक की आत्मा होगी तो उसे हमारा यहाँ आना बिल्कुल रास नहीं आया होगा। यूडी, तू कैमरा तैयार रखना एकदम। मैं तो एवर रेडी जी, आप शुरू करो पाजी। एक मिनट यूडी, तुम आत्माओं को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड करोगे? पर अरे आंचल जी, ये कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है, और इसे डिजिटल कैमरा कहते हैं, जो नाइट विजन के साथ आती है। इन डिवाइसेस में ऐसे रेडिएशन होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को आसानी से कैद कर लेते हैं।
अक्सर आत्माओं से बात करने के लिए इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया जावे। ओह, दैट्स अमेजिंग। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर कोई हमें सुन रहा है तो कोई इशारा दो। क्या ये तांत्रिक की आत्मा है? हम जानते हैं तुमने ही रेवा को कैद किया है। तुम क्या चाहते हो रेवा से? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी मदद के बिना तुम रेवा को नहीं पा सकते, जैसे तुम रत्नावती को हासिल नहीं कर पाए थे। चले जाओ यहां से। यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। ओए पाजी, लगता है यहाँ की आत्माएं आपकी बात का बुरा मान गई हैं जी। इस वक्त हमारा यह रुकना सही नहीं होगा। कबीर, लेट्स गो फ्रॉम हियर फास्ट। मने भी यही ठीक लगे। जल्दी निकलो बाहर यहाँ से। चिंता गुणी करो, मैं आपके साथ ही हूँ। पाजी, वो पत्थर संभालो। आप मने कस के पकड़ लो आंचल जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब डरने की कोई बात नहीं आंचल जी, आप सेफ हैं बिल्कुल। ओए पाजी, लगता है आंचल जी को आपकी गोद में मजा आ रहा है जी, इसीलिए तो उतर ही नहीं रही। ओ, ओ, सॉरी सॉरी, आमी एकदम पागल। आप ठीक तो हैं आंचल? आपने कहीं लगी तो नहीं? ये सवाल तो आपको मैंने पूछना चाहिए पाजी। आपने आंचल जी को इतना कस के गोद में पकड़ा था जैसे DDLJ के राज ने सिमरन को पकड़ा हो। उन्हें क्या होना है? कभी भी कुछ भी बकवास करे है तू उड़ी। मैं ठीक हूँ। मैं एक बार गुरुजी ने कॉल कर लूं, आगे के करना है अब वही बताएंगे। उसके बाद जब कबीर ने सारी बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने उन लोगों को पास के कॉटेज में रुकने की सलाह दी। उए, ये तो बड़ा सही है पाजी। ये देखो आग भी जल रही है हाथ सेकने के लिए। मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। आओ जी आओ, यहाँ बैठते हैं। यूडी, वो रिकॉर्डिंग निकाल, उससे पता चल जावे को वो आत्मा आखिर के चावे है। जी पाजी। ये देखो पाजी, अगर कोई हमें सुन रहा है तो कोई इशारा दो। क्या ये तांत्रिक की आत्मा है? मैं सिंधिया हूँ, सिंधिया। हम जानते हैं तुमने ही रेवा को कैद किया है। वो मेरी है। तुम क्या चाहते हो रेवा से? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। हमारी मदद के बिना तुम रेवा को नहीं पा सकते, जैसे तुम रत्नावती को हासिल नहीं कर पाए थे। तुम जानते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रेवा अब मेरी है, सिर्फ मेरी। इट मींस हमारा शक सही था, ये तांत्रिक की ही आत्मा है। वो रानी रत्नावती को हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए वो रेवा को अपना बनाना चाहता है। अब ये तो साफ है कि ये तांत्रिक ही है, पर इसने अभी तक रेवा को मारा क्यों नहीं? पाजी, ऐसा भी तो हो सकता है कि तांत्रिक रेवा को मारना ही ना चाहता हो। हाँ, वो रेवा को अपने वश में करना चाहता हो। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तांत्रिक ने रेवा को वश में करना है, पर अभी तक रुका क्यों है वो? हमारा इंतजार तो करेगा नहीं कि आप तीनों आएंगे, फिर ही रेवा को वश में करूंगा। पाजी, मैनू तो लगता है ये तांत्रिक बड़ा ही ठरकी किस्म का है जी, कोई और गांव की गोरी पसंद आ गई होगी। हाँ, तांत्रिक इमरान हाशमी का फैन है ना। अरे बोलने से पहले सोच तो लिया कर छोरे। सॉरी पाजी। मुझे लगता है कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है शायद, इसलिए अभी तक उसने रेवा को किले के अंदर ही रखा है, तभी वो हमें किले से भगा रहा था। शातिर तांत्रिक। कल सुबह हम तीनों आसपास के गांव वालों से बात करेंगे,
हो सके है कि गांव वालों से हमें कोई ऐसा क्लू मिल जावे जो इस कहानी को एक नया मोड़ दे दे। ये भी सही है जी, पर ये थोड़ी देर सो जाते हैं, मैंने तो बड़ी नींद आ रही है। आंचल जी, आप भी अंदर के कमरे में थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर कबीर को अभी नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बालकनी में आ गया। पर तभी उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसकी तरफ पड़ा चला आ रहा है। और फिर तेरी तो चोरी करेगा तू। आ कबीर, अमी आंचल छोड़ो। अरे सॉरी 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 आंचल जी, आपको कठे लगी तो नहीं? वो मने लगी हो कि कोई चोर है। कबीर, आपने तो मुझे मार ही दिया था ऑलमोस्ट। सॉरी सॉरी, अब आप ठीक हो? पानी लाऊं थारे लिए? I'm okay, don't worry. पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी आधी रात को? आप भी तो यहाँ खड़े हैं। वो तो मुझे, आपको भी नींद नहीं आ रही के? आओ अठे बैठो। थैंक यू। आपको डर लगता होगा ना ऐसी जगहों से जो आप सपने में देखे हो? कभी कभी लगता है भाग जाऊं किसी ऐसी जगह जहाँ जहाँ मैं भी एक नॉर्मल लड़की बन के रह सकूं। आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो सबसे अलग हो। इतनी अलग हूँ कि बचपन से कोई मेरे पास ही नहीं आता था। मेरे इस अलगपन ने मुझे सबसे अलग कर दिया। के मतलब? मैं 15 साल की थी जब मुझे अपनी इस शक्ति का एहसास हुआ। मुझे स्कूल की दीवारों में वो बच्चे दिखे जिन्होंने वहां सुइसाइड कर लिया था। बस उस दिन से सब मुझसे दूर रहने लगे। सब कहते कि मुझ पर किसी भूत का साया है। मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए माँ बाबा ने मुझे गुरुजी के पास भेजा। उनकी मदद से मैंने खुद को काम करना सीखा। लोगों का के है आंचल जी, वो तो कहते ही रहे हैं आप तो गॉड गिफ्टेड हो, आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जान बच पाई होगी। आप दुखी ना हुआ करो, बस आपके गाल पर जो डिंपल्स पड़े हैं वो ज्यादा अच्छे लगे हैं आप पर। थैंक यू। अजीब बात है ना, आप इतने सालों से गुरुजी के आश्रम में हैं, कितनी बार मैंने आपको देखा भी होगा लेकिन हमारी कभी बात ही नहीं हुई। मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। मैंने तो आपने पहली नजर में ही नोटिस कर लिया था जी। मेरा मतलब है कि मने याद है जब आप पहली बार आश्रम आए थे, सहमे से थोड़े घबराए से थे, आपने सफेद रंग का सलवार सूट पहन रखा था, घड़ी चोखी लग रही थी आप। कबीर, आपको इतना सब याद है? आओ मारी याददाश्त देखो कितनी चोखी है। मुझे आश्रम की हर लड़की की एंट्री याद रहे वे। के बोलू हूँ मैं यार, के सोचेगी मारे बारे में आंचल? आपको बड़ा इंटरेस्ट है लड़कियों में। ऐसा कुछ तो नहीं है आंचल। ठीक है, अब हमें भी थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, कल का पूरा दिन हेक्टिक रहने वाला है। जी मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? ना ना, मैं ठीक हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं इतना क्यों घबरा रहा था बात करने में, जैसे तांत्रिक ने देख लियो है। चल भाई अब थोड़ी देर सो जा। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर आंचल यूडी तीनों आसपास के गांव वालों से किले के बारे में बात करने लगे और गांव वालों से उन्हें काफी कुछ नई बातें पता चली। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जैसे मंत्रों की, घुंघरुओं की, किसी के हंसने की। पर उनका कहना है कि अमावस्या को इस किले के आसपास कोई नहीं जाता। उस रात किले से डरावनी हंसी की आवाजें और कई सारे मंत्रों की आवाजें आती रहती हैं। और कई सारे लोगों ने तो ये भी कहा पाजी कि अमावस्या की रात को इस किले में आज तक जो भी गया है उसकी मौत हुई है। पाजी आपको क्या लगता है, ये वहम भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सके है, पर इतने सारे लोगों को एक साथ वहम होना पॉसिबल कोनी। गुरुजी सदैव कहे हैं कि अमावस्या को काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होवे हैं और पूनम की रात को यही शक्तियां कमजोर पड़ जावे। ये वहम नहीं है यूडी,
हमें रेवा को ढूंढते हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, और जिस रात रेवा यहाँ आई थी उस रात अमावस्या की रात थी। इसीलिए अब तांत्रिक अगली अमावस्या का इंतजार करे, क्योंकि रेवा को वश में करने के लिए उसे वशीकरण करना पड़ेगा, और इस क्रिया के लिए अमावस्या का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब पाजी, हमें अमावस्या के पहले उस तांत्रिक से रेवा को छुड़ाना पड़ेगा? ना, इससे भी पहले यूडी हमें तांत्रिक पर तब वार करना होगा जब वो कमजोर हो। हमें तांत्रिक को पूर्णिमा की रात को ललकारना होगा, जिससे उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाए और हम रेवा को बचा सके। पर पाजी, मैनू एक गल समझ नहीं आ रही, हम तांत्रिक को हराएंगे कैसे? वो जिंदा तो है नहीं, वो तो एक आत्मा है, वो भी एक तांत्रिक की, जिसके पास काली शक्तियां हैं, जो किसी को भी अपने वश में कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसका तोड़ गुरुजी बताएंगे। मैं एक काम करूं, गुरुजी से फोन पर बात करके आता हूं। तब तक आंचल आप कुछ खा लो, सुबह से बस काम ही किए जा रहे हो। ओए होए, की गल्ला जी, आपको नहीं लगता आंचल जी की बाजी आपकी कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं? नहीं, तुम ही एकदम पागल यूडी, हटो रास्ते से। अब मैं पागल हूँ कि ये दोनों? ओ रुको आंचल जी, मैं भी आया, मैनू भी भूख लग रही है यार। गुरुजी से बात करने के बाद जब अरमान वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी काफी ज्यादा झलक रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, हमारे पास सिर्फ 10 दिन हैं। 10 दिन मतलब तांत्रिक को ललकारने के लिए ना? नहीं, तांत्रिक को कैद करने के लिए। गुरुजी ने कहा है कि हमें इन 10 दिनों में रेवा को ढूंढना होगा, और वहां गुरुजी 10 दिन तक एक महावशीकरण यज्ञ करेंगे, जो तांत्रिक को उसी चट्टान में कैद कर देगा जिससे उसकी मौत हुई थी। ओ, इसका मतलब हमें सबसे पहले रेवा का पता लगाना होगा कि तांत्रिक ने उसे छुपाया कहाँ है, तभी हम तांत्रिक पर वार कर पाएंगे। पर पाजी, भानगढ़ कोई छोटा सा महल तो है नहीं जहाँ हम रेवा को आसानी से ढूंढ लेंगे। भानगढ़ में कितने सारे कमरे, गलियां, बाजार, मंदिर, किले की सीढ़ियां, दीवारें, कितना कुछ है। हम 10 दिनों में कैसे ढूंढ पाएंगे रेवा को? रेवा को इस किले में आए 5 दिन हो चुके हैं, और गुरुजी का कहना है कि अगर हमने इस पूर्णिमा तक कुछ नहीं किया तो शायद हम रेवा को बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें कोशिश करनी ही होगी। तो क्या कहते हो, तुम दोनों रेडी हो रेवा ने ढूंढने वास्ते? रेडी, एवर रेडी पाजी। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं असली खेल। रेवा को किले में कैद हुए 5 दिन हो चुके थे। गुरुजी ने कबीर, आंचल और यूडी तीनों को यह आदेश दिया कि उन्हें पूर्णिमा की रात तक रेवा को ढूंढना होगा, जो बस 10 रातें ही दूर थी। भांगड़ के अंदर रेवा को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और उन तीनों के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उन तीनों ने एक फैसला किया। आंचल, आप श्योर हो कि आपने ये काम करना है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कबीर, 10 दिन बाकी है पूर्णिमा की रात में, और हम 5 दिन तो गवा चुके हैं, इसके बाद भी हमें रेवा के बारे में एक क्लू तक नहीं मिला। हम दिन में भी तो रेवा को नहीं ढूंढ सकते ना जी, टूरिस्ट की हाजिरी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करना अलाउड नहीं है। और रात में भानगढ़ के अंदर हर एक जगह को खोज पाना मुमकिन नहीं है, और ऊपर से वो ठरकी तांत्रिक की आत्मा भी तो घूमती रहती है ना जी। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा, और देखना होगा कि तांत्रिक ने रेवा को कहां छुपाया है। पर आप भानगढ़ की हर दीवार पर तो हाथ लगाकर देख नहीं सकते ना। तुम्हें वो रिकॉर्डिंग याद है यूडी, जिसमें वो तांत्रिक की आत्मा रेवा को घसीट रही है? हाँ जी, जो रेवा ने रिकॉर्ड की थी जब वो यहाँ आई थी। हाँ, बस हम उसी जगह वापस जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं देख सकूं कि वो आत्मा रेवा को घसीट कर कहां ले गई है। पर ये इतना भी आसान को नहीं आंचल, उस पल में वापस जाकर उस हादसे को फिर से देखना, इस चीज में आपको खतरा हो सके, इसमें आपकी बॉडी वीक पड़ जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कबीर, और आपने ही कहा था ना कि मैं स्पेशल हूँ, मेरी वजह से कितने लोगों की जानें बच सकती हैं।
आंचल के कहने पर यूडी और कबीर दोनों उसकी बात मान गए और रात को वो लोग दोनों उसी जगह पहुंच गए जहां वो आत्मा रेवा को घसीटते हुए ले गई थी। आंचल ने जैसे ही दीवारों को छुआ और अपनी आंखें बंद की, उसे कुछ झलकियां दिखाई देने लगी। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये क्या हो रहा है? अब तांत्रिक को पता चल गया है कि आंचल रेवा का पता लगा रही है। ये आंचल को रोकने आयो है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, अब भुगतो। ये तांत्रिक बहुत गुस्से में, ये कुछ भी कर सकता है। आंचल जी को रोको और यहाँ से निकलो। आंचल, 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 सुनो मेरी बात। ये सब ने छोड़ो आंचल। कबीर, बस मैं पहुँच नहीं वाली हूँ जगह तक। आंखें खोलो आंचल, बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। आंचल जी छठो पास में, अभी हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर? अभी बताता हूँ। कबीर, कबीर, अघोरी साधना है आंचल, इसे दिमागी ऊर्जा को वश में करने में काम में लाया जाता है। जी, क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा, बस और कोई रास्ता नहीं है। पर आंचल जी, आंचल मेरी बात सुनो, अपने कान बंद करो और अपने मन में ओम का जाप करो, जल्दी जल्दी। आंचल आप कर सको हो, प्लीज ट्राई, ट्राई करो प्लीज, हरे लिए। बाजी, आंचल जी तो बेहोश हो गई। यूडी, मैं आंचल ने उठा लेता हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। तांत्रिक के हमले से कबीर और यूडी आंचल को बचा लाए और उसे बेहोशी की हालत में कॉटेज ले आए। कबीर पूरी रात आंचल के पास बैठा रहा और सुबह जब आंचल को होश आया तब। क्या हुआ? आप ठीक हो? अभी आप उठ गई आंचल जी, अब कैसा लग रहा है? अमी भालो अच्छी है। चलो, बंगाली में बोल रही है तो मतलब ठीक ही है पाजी। कुछ भी बोले तू सच में। चलो इसी बहाने आप हंसे तो सही पाजी। आपको पता है आंचल जी, पूरी रात पाजी आपके पास से हिले तक नहीं, पानी तक नहीं पिया है इन्होंने। खैर, आप दोनों बातें करो, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बना के लाता हूँ। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। मैंने कहा था आपसे, इस काम में खतरा है, आपको कुछ हो जाता तो आपकी जान क्यों निकल गई थी कबीर? मतलब गुरुजी ने आपकी जिम्मेदारी हमारे को सौंपी है। मेरे लिए अपनी जान पर खेलना, मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी केयर करना, रात भर मेरे पास बैठे रहना, मेरी हर बात को याद रखना, क्या ये सब भी गुरुजी ने करने को कहा है? आप के बोलो, मुझे समझ को नहीं आ रहे है। आप आराम करो, मैं बाद में आऊं। पर मुझे सब समझ आ गया कबीर। वैसे कबीर, मुझे तुमसे और यूडी से कुछ कहना है रेबा के बारे में। लो जी, मैं आ गया, ये लीजिए आप दोनों की कॉफी। थैंक यू, थैंक यू। अब बोलो, क्या बताना चाहते हो? मुझे कल उस जगह की झलकी दिख गई थी जहाँ रेवा कैद है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची? तांत्रिक ने रेवा को उसकी असली जगह पर रखा है, मतलब रानी रत्नवती के महल में। पर अब वो जान चुका है कि हम रेवा को ढूंढ रहे, तो वो हमें इतनी आसानी से रेवा तक नहीं पहुंचने देगा। मैं, आप तो कुछ मत बोलो, कल के जरूरत थी इतना रिस्क लेने की? पर मेरी बात कहा ना, नहीं कोई जरूरत ना है आपको वहां जाने की। बस चुप, एकदम चुप, तुम्हें पागल कबीर, मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। मेरा प्लान ये है कि हमें अगर तांत्रिक तक पहुंचना है तो
तांत्रिक को उलझाना होगा और ये काम यूडी बखूबी कर सकता है। तब तक कबीर जाकर रेवा को कैद से छुड़ा लेगा और मैं घूंघट में रानी रत्नवती बनकर तांत्रिक को चट्टान तक ले आऊंगी। पर तांत्रिक हमारे जाल में नहीं फंसा तो? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। एक बार बस वो तांत्रिक की आत्मा चट्टान तक पहुंच जाए, उसके बाद गुरुजी उसे वश में कर लेंगे। ओ बाजी, पर गुरुजी आ कब रहे हैं यहाँ भानगढ़? आज 6th डे है, 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। बस उस दिन गुरुजी आ जाएंगे और उसी चट्टान पर महामृत्युंजय का जाप शुरू कर देंगे। पर उसी चट्टान पर ही क्यों? उस तांत्रिक की मौत चट्टान के नीचे कुचल कर ही हुई थी, इसीलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति वहीं हो सकती है या फिर उसे वश में बस उसी चट्टान पर किया जा सकता है। ओह एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मी जी का कॉल है, मैं आया बात करके। मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। मेरी स्लीपर्स कहाँ गई? ये रही। थैंक यू। आचल, आपके बाल वो चेहरे पर मैं हटा दूं? मुझे आपसे वो कुछ कहना था। मैंने आपसे मुझसे आपसे वो आपसे वो ओ पाजी, यहाँ तो नेटवर्क आते जाते रहते हैं यार, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे अचानक दूर दूर क्यों चले गए और आप दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया जी, सब ठीक है ना? कबाब में हड्डी बन गया क्या? ये नेटवर्क के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी आ जावे है बीच में और फिर चले भी जावे है। खैर अब मारी बात ध्यान से सुनो, हमें 4 दिन बाद इस प्लान को अंजाम देना है, तब तक हमें कुछ चीजें प्रिपेयर करनी होगी। वो कैसी चीजें पाजी? आंचल को रानी रत्नावती का कॉस्ट्यूम और उसकी आवाज पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अरे सही कहा पाजी, ऐसा ना हो तांत्रिक को बंगाली में आंचल जी तुम ही एकदम पागल तांत्रिक बोलने लग जाए। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओ, ये यूडी कुछ भी बोले, चुप कर। तुझे तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं तेरी बकवास सुनकर तांत्रिक तुझे ही ना मारने लग जावे। उस दिन के बाद अगले 4 दिनों तक कबीर, यूडी और आंचल पूर्णिमा की रात के लिए प्रिपरेशन करने लगे। आंचल ने अपने कॉस्ट्यूम और बोलने के तरीके पर फोकस किया, वहीं कबीर ने पता लगाया कि महल के अंदर कैसे पहुंचा जा सकता है। और कुछ ही दिनों के बाद पूनम की वो रात आ ही गई। यूडी और कबीर तैयार थे और आंचल जैसे ही रानी रत्नावती का कॉस्ट्यूम पहनकर कमरे से बाहर आई तो कबीर की नजर उस पर पड़ी। जैसे कोई चांद फलक से जमीन पर उतर आया है, ए खुदा मुझे माफ करना, पर तेरी तस्वीर से भी सुंदर एक चेहरा मेरी आंखों के सामने आया है। पाजी हाँ, मुंह तो बंद करो। हाँ बोल क्यों नहीं देते आप? क्या बोलना है? चांद को, कि आप उसे पसंद करते हो जी। कौन सा चांद? जिसे अभी अभी आप फलक से जमीन पर उतार लाए थे। ओ चुप कर, कुछ भी बकवास करे है। कैसे लग रही हूँ? ठीक तो लग रही हूँ ना? आंचल जी खूब भालो अच्छी, घनी चोखी लग रही हुआ। थैंक यू। गुरुजी का कॉल आया था, वो भानगढ़ पहुंच चुके हैं और आगे की क्रिया आरंभ कर दी है। अभी 7 बज रहे हैं, हमें भी जल्दी से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। हाँ चलो जी निकलते हैं। भानगढ़ के किले पर पहुंचकर तीनों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। आंचल दीवार के पीछे छुप गई और यूडी और कबीर तांत्रिक को उकसाने में लग गए। पाजी शुरू हो जाओ। हम जानते हैं कि तुमने रेवा को क्यों कैद किया है, पर तुम इस बार भी कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे तुम रानी को नहीं हासिल कर पाए थे। तुम इस बार भी हार जाओगे, तुम इस बार भी अकेले ही रह जाओगे। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है आज। ओए, हमारी मौत नहीं, तेरी बर्बादी तुझे यहाँ ले आई है, समझा? चले जाओ यहाँ से। ओए, हम डरते वरते नहीं तेरे से। जब तक यूडी तांत्रिक को उलझाएगा तब तक मैं रेवा को कैद से बाहर ले आता हूँ।
एक तरफ यूडी तांत्रिक को उलझाने में लगा हुआ था और उधर दूसरी तरफ कबीर महल के अंदर रेवा तक पहुंच गया था, जहां उसे रेवा बेहोश हालत में मिली। रेवा, उठो, रेवा। इसे तो होश ही नहीं। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे उठाकर ही ले जाता हूं, हमारे पास वक्त भी कम है। कबीर रेवा को बेहोशी की हालत में चुपके से महल के बाहर उसी जगह पर ले आया जहां आंचल छुपी हुई थी। हर लड़की को गोद में उठा लेते हैं आप? के? कुछ नहीं, रेवा को यहीं छुपे ही रहने दो। आप जाओ यूडी की मदद करो। और आप तैयार रहना, घूंघट ओढ़ लो। अरे तुम मिक्का पाजी को नहीं जानते। क्या आवाज है उनकी, क्या स्टाइल है। अभी यहाँ होते ना, किस कर लेते। ये बकवास कर रहा है। यही करने को तो बोला था ना आपने। अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। क्यों, अब तुम्हें हमसे प्यार हो गया क्या? ओ चील यार, तुमने तो दिल पे ले ली बात। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम भी यहाँ से जाएंगे और रेवा भी। वो देखो। ओए, ये तो आंचल जी है ना। तू अगली बार भी मारे को हासिल न कर पाया था और इस बार भी तू हार गयो है तांत्रिक। मैं हार नहीं सकता। चल आंचल उस तांत्रिक को गुरुजी के पास ही ले जा रही है, जहां वो इसके अंत की तैयारी कर रही है। तू बच नहीं पाएगी मुझसे। तुम्हारो बाल भी मां को कोनी कर पाए हो तांत्रिक। कहां भाग रही है तू? मुझसे बच नहीं पाएगी। तेरे अंत की तरफ भाग रही थी मैं, जिसमें तू फंस चुको है। ये आग कहां से आ गए? और ये घेरा कैसा है? मैं यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा? तू इस घेरे से बाहर नहीं जा पाएगा। अब तुझे इस चट्टान में ही कैद होना होगा। मैं हार नहीं सकता। रेवा मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरा यहां कुछ नहीं। अब इस चट्टान के साथ सदा के लिए कैद हो जा। ये मंत्र बंद करो, ये मंत्र बंद करो। अब तू कभी किसी बेगुनाह को वश में नहीं कर पाएगा। ये ले। मैं फिर से वापस आऊंगा। याद रखना। आपने तो कमाल ही कर दिया गुरुजी। ये तुम तीनों के बिना संभव ही नहीं था। पर आंचल जी कटे गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो रास्ता भटक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। आप ये क्या बोल रही हो आंचल जी? अभी तो आप तांत्रिक यहाँ लाई थी। मैं तो अभी आई हूँ यूडी। वो आंचल नहीं यूडी, रानी रत्नावती की आत्मा थी जो अपना बदला पूरा करने आई थी। मुझे इसका आभास पहले ही हो चुका था। इसका मतलब हमने जो दूसरा साया देखा था वो रानी रत्नावती ही थी। हाँ, अब हमें रेवा के पास चलना चाहिए। जी गुरुजी, आइए। रेवा को होश अगली सुबह ही आ पाया था। रातों रात जब अरमान को खबर मिली कि रेवा मिल गई है, वो तुरंत ही रेवा को देखने पहुंच गया और उसकी सुबह आते ही रेवा ने आंखें खोल दी। रेवा तू ठीक है ना? भाई, I'm sorry भाई, मैं आपको बिना बताई आ गई। सॉरी।
बस बस चुप हो जा। तू मेरे पास वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है, पर फिर से ऐसा कुछ मत करना प्लीज। आई प्रॉमिस भाई, बिल्कुल नहीं करूंगी। आई एम सॉरी सॉरी। गुरुजी, यूडी, आंचल, कबीर, थैंक यू सो मच। अगर आज आप सब नहीं होते तो मैं अपनी बहन से कभी नहीं मिल पाता शायद। अरमान पाजी, अब तो कोई डाउट नहीं है ना आपको मुझ पे? अरे बिल्कुल नहीं। अभी प्लीज कुछ खा लें, मैंने बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ प्लीज सब लोग आइए। ए, की कर छो तुमी? हाथ क्यों पकड़ लिया मेरा? मैं हर किसी लड़की को गोद में नहीं उठाता, बस जिसे पहली बार देखकर मैं अपना दिल हार बैठा था उसी को जिंदगी भर अपनी बाहों में लेना चाहूं। क्या इसकी इजाजत है? मने एक शर्त पर, जिंदगी भर दाल बाटी के साथ रसगुल्ला खाना पड़ेगा, मंजूर है? तो फिर रहने दो। की? रेवा के सर से ये खतरा तो टल गया था, पर क्या ये हमेशा के लिए था? क्या वो तांत्रिक हमेशा उस चट्टान में कैद ही रहने वाला था? इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता और शायद न ही कभी जान पाएगा, पर फिलहाल के लिए इस बात की खुशी जरूर है कि रेवा अब सुरक्षित थी। बाकी रही भानगढ़ की बात, तो उस किले का खौफ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस तांत्रिक की प्यासी आत्मा किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी।